उना के विख्यात धार्मिक स्थान पीर निगाह में वार्षिक विसाखी पर्व पर इस बार पश्चिमी सूफी गायक जोड़ी नूरा सिस्टर अपनी गायकी से बाबा की महिमा का गुणगान करेंगी। ये जानकारी देते हुए पीर निगाह मंदिर कमेटी के उप प्रधान गुरुदेव ने बताया कि इस पर्व के लिए मंदिर कमेटी की तरफ से श्रद्धालुओं के बाबा जी के दर्शन की सुविधा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमेशा की तरह श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे लंगर की व्यवस्था है। वार्षिक उत्सव का प्रारंभ वैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल को सुबह पंडित निगाहिया जी के वंशजों द्वारा उनकी समाधि पर चादर चढ़ाकर होगा। उसके बाद मंदिर कमेटी अध्यक्ष की अगुवाई में बाबा जी की समाधि पर चादर चढ़ाकर झंडा फहराएंगी, जबकि शाम को नूरा सिस्टर अपनी गायकी से बाबा की महिमा का गुणगान कर श्रद्धालुओं को निहाल करेंगी। हां जी सर, इस बार भी सतवां वैसाखी में हर साल की तरह सतवां वैसाखी मेला जिहड़ा पीर निगाह मंदिर कमेटी वसूली वलों आयोजित किया जा रहा है, जिदे विच मशहूर कलाकार सूफी गायक नूरा सिस्टर जिहड़े अपने गायकी प्रस्तुत करनगे ते लख दादा पीर दी महिमा दा गुणगान करनगे। संगतां वास्ते असीं जी सारा साडा संगतां नूं असीं इही बेनती करदे आ के मेले दा आनंद उठाउण ते जिहड़ी लंगर दी व्यवस्था वगैरह है साडे वलों मंदिर कमेटी वलों जी लंगर की व्यवस्था भी इतने असी हर साल की तरह करते हैं तो होर सारे जिहड़ा प्रबंध है मंदिर कमेटी उन्हें सुख सुविधावां वास्ते भी करन दी कोशिश कर रही है जी। तो अपने मेन साडी निवाइया पीर जी की समाध है उन्हों असी सवेरे इशनान वगैरह कराते तो उहदे उपर चादर जिहड़ी है वो जिहड़ी पहली चादर है वो पीर निगाहिया के जिहड़े वंशज ने अपने पीर के वंशज ने वो सैली वाले पंडित वो आके चादर चढ़ते हैं तो उस तो बाद साड़ी साड़ियाँ होर असी पंचायत की चादर अपनी साड़ी मैडम उषा देवी चढ़ाएंगे तो होर जिहड़े बाकी चादर जिहड़ा धार्मिक है प्रोग्राम है वो बाकी हर साल की तरह उदा लगते मंदिर के विच होगा।